क्यों रावण के राक्षसों ने वानरों को सेतु बनाने से नहीं रोका? दोस्तों, जब रावण को पता चला कि श्री राम और वानर सेना समुद्र पार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले तो उन्होंने इसे हंसी में टाल दिया। रावण ये मानकर चल रहे थे कि वानरों और इंसानों से समुद्र पार नहीं होगा, किंतु जब सेतु का निर्माण प्रारंभ हुआ तब रावण गुस्सा हो गया। उसे लगा कि अगर श्री राम सेतु बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे लोगों में उनका रुतबा बढ़ जाएगा। ये सोचकर रावण ने अपने राक्षसों को सेतु बनाने से रुकने के लिए भेजा। इनमें से कई मायावी राक्षसियों ने मछली का रूप लिया। जैसे ही वानर पानी में पत्थर फेंककर सेतु बनाने लगते, ये मछलियां पत्थरों को धकेलकर दूसरी दिशा में ले जाती और वानर जैसे ही पानी के अंदर जाते, ये राक्षसियां सांप बनकर उन्हें काटने लगती। जब किसी भी वानर में पानी के अंदर जाकर इनसे लड़ने की क्षमता नहीं हुई तो हनुमान जी खुद पानी में उतर आए। इन सब मछलियों का नेतृत्व स्वर्ण मत्स्या कर रही थी, जो कि एक मायावी मछली थी। उसने हनुमान जी को मारने के लिए अपनी पूंछ तो उठाई, पर हनुमान जी को देखकर वो उन पर मोहित हो गई। उसने अपने आप को स्त्री रूप में बदल लिया और हनुमान जी से कुश्ती लड़ने लगी। हनुमान जी उसे बार बार दूर फेंकते रहे। वो स्त्री समझकर उस पर प्राणघातक हमला नहीं कर रहे थे, परंतु जब हनुमान जी को एहसास हुआ कि वो कुश्ती के बहाने उनके करीब आने की कोशिश कर रही है, तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि उनका जन्म सिर्फ भगवान राम की सेवा के लिए हुआ है और वो किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर स्वर्ण मत्स्या को एहसास हो गया कि ऐसे सच्चे लोगों की युद्ध में जीत निश्चित है, और उसने सभी राक्षसों से पीछे हटने को कह दिया और सभी समुद्री जीवों ने समुद्र में बांध बनाने में वानर सेना की सहायता की। ये कहानी हमें रामायण की दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रतांतों में मिलती है।